మహారాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రచారంలో అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. झारखंड की स्थापना के लिए अनेक बलिदान दिए, कई लोग गोली चढ़ गए, गोली खाए, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, बहुत अत्याचार हुआ. ये अत्याचार करने वाला कौन था भाई, बताओ मुझे. उस वक्त एक गोलियां नहीं देते, मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं भाई. डुमरी वालों, हिसाब जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? इन लोगों ने 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया. मैं फिर से बोलता हूं, 84,000 करोड़ रुपया. कितना दिया? हाँ, और मोदी जी ने 10 साल में 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम किया. क्या ताली बजा रहे हो डुमरी वालों? आपके गांव में कुछ आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है? कौन खा गया? जरा जोर से बोलो, कौन खा गया? भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है, यशोदा बहन को जिताने के लिए आए हो. ये भरी सभा में मैं पूछता हूं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? देखा है तो ऊपर आओ, नितिन नवीन उसका सम्मान कर दे. देखा है क्या? अब देखिए, मोदी जी ने एक रेड लगावाई, ईडी ने रेड लगाई, और कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला. 350 करोड़ रुपया, ये किसका है भाई? जरा जोर से बोलो, ये किसका है? ये मोदी जी ने झारखंड के युवाओं के लिए, बिटियाओं के लिए भेजा हुआ पैसा हेमंत सोरेन एंड कंपनी खा गई. और रुपया इतना मिला कि 27 नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ी. 24 घंटे तक गिनते रहे, मशीन गर्म हो गई, नोटों की गड्डियां समाप्त नहीं हुई. ये आलमगीर आलम, इसके घर से 35 करोड़ रुपया मिला, 350 करोड़, 35 करोड़. ये लोग समझते हैं कि जो पैसा खा गया हमारा हो गया. हेमंत बाबू, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. और जिन जिन ने झारखंड के पिछड़ा वर्ग के युवा का पैसा खाया है, मैं सबको चेतावनी दे रहा हूं, अपनी अपनी तैयारी कर दो, चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे जाना. भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए. 30 लाख लाभार्थी को किसान सम्मान निधि का चेक नरेंद्र मोदी जी ने भेजा. 4,86,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया. 34 लाख घरों में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचाने का काम किया. 1,22,00,000 लोगों को 5,00,000 तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त कर दिया. और घर में 70 साल के कोई वडील है, बुजुर्ग है, तो और 5,00,000 अब हम देने वाले हैं. और 5,00,000 देने वाले. 2,00,000 शौचालय बने. 2,65,00,000 लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया. और 39,00,000 कनेक्शन गैस के दीदियों के घर में भेजे. और दीदी लोग, अब कनेक्शन में ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा,
500 रुपये में गैस का सिलेंडर अब हमारी सरकार दे देगी, और दिवाली को और रक्षाबंधन के दिन आपको दो गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम भाजपा और आजसू की सरकार करेगी। गिरडी में हम मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, उसको रोकने का काम किया, और पिछड़ा वर्ग के सारे लोग, मेरे दलित और आदिवासी भाइयों बहनों, आपका आरक्षण छीनकर एक कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मुझे बताओ भाई, ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, एससी एसटी और ओबीसी का काट कर देंगे, आप सहमत हो? जोर से बोलो सहमत हो। अरे चिंता मत करो, राहुल बाबा की चौथी पीढ़ी भी आए, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे, नहीं होने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है?